हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक कोड एंड टूडेज लीड कोड चैलेंज इज पेलिनोम पार्टिशनिंग तो इस क्वेश्चन में क्या करना है ना बेसिकली तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी है ठीक है और तुम्हें उसको क्या करना है ना पार्टीशन करना है सच दैट एवरी सबस्थिंग इज अ पेलेंडोम इन इट ठीक है और ऐसे सारे पॉसिबल ऐसे सारे पॉसिबल पेलिनोमिक पार्टिशनिंग रिटर्न करके देने हैं एस के ठीक है तो जैसे इसमें मैंने क्या करा इसको मैंने ऐसे पार्टीशन कर दिया ठीक है ऐसे और ऐसे तो हर एक सब सिंह अपने आप में पैलेट में तो मैं ये रिटर्न करके दे सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ इसको ऐसे पार्टीशन कर दूँ तो हर एक सब सिंह अपने आप में पैलेट में तो मैंने इसको ऐसे पार्टीशन कर दिया तो ये दो तरह के आंसर हो गए ठीक है तो रिटर्न ऑल पॉसिबल पेलट नो में एक ऑफ एस तो हमने सारे पैलेट में पार्टीशनिंग कर दी इसकी और कैसे भी पार्टीशन करते अगर जैसे इसको पार्टीशन करते हैं यहाँ पे ए ए बी तो ये पैलिड्रोम नहीं है तो ऐसे पार्टीशन नहीं कर सकते हम हर एक सबस्ट्रिंग जो भी बननी चाहिए वो खुद पैलिड्रोम होनी चाहिए हर एक यहाँ पे भी पार्टीशन नहीं कर सकते क्योंकि ये पैलिड्रोम नहीं है ठीक है तो कैसे करेंगे तो जैसे मैंने क्या करा ये जैसे मुझे ए ए बी दे रखा है है ना तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस आई पे हूं ठीक है इस आई से मैं यहां से चालू करता हूं पार्टीशन ठीक है ये मैं यहां से पार्टीशन चालू करना करा अगर ये पैलेंडोम है ये पैलेंडोम है तो मैं इसको कॉल कर दूंगा इस फंक्शन को कि सॉल्व फॉर दिस सॉल्व फॉर दिस गेट मी द आंसर फॉर दिस सब प्रॉब्लम ठीक है विच इज़ फ्रॉम i प्लस वन ठीक है i प्लस वन से मेरे को आंसर निकाल के दे दो इसका आंसर जो निकल के देगा ठीक है इसका आंसर जो भी निकाल के देगा ये इसका आंसर क्या निकाल के देगा लेट से ये देगा एक तो ये दे देगा ठीक है ये पार्टीशन हो गया एक कि मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दूँ बस यही होगा ठीक है तो इसने ये आंसर रिटर्न करके दिया इसको ए को क्या रिटर्न करके दिया ए कॉमा बी ये पार्टीशन कर सकते हो तो अब इसमें मैं क्या करूंगा इसमें मैं क्या करूंगा इस ए कॉमा बी में मैं क्या अपैंड कर दूंगा ए अपेंड कर दूंगा ठीक है तो ये मेरा एक आंसर हो जाएगा ठीक है और मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरा एस दे रखा है ए ए बी तो मैंने पहले यहां पे पार्टीशन करा था अब मैं यहां पे पार्टीशन करता हूं तो ये क्या पैलिंड्रोम है हाँ है ये पैलिंड्रोम है तो सॉल्व गेट मी द आंसर फॉर दिस मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा आंसर फॉर दिस ठीक है तो ये क्या रिटर्न करके देगा ये सिर्फ बी रिटर्न करके दे देगा तो मैं मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए ए कॉमा बी ठीक है तो अभी इसको जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम ए बी सी ए ठीक है तो हमको किसी भी जैसे हम हम क्या कर रहे हैं पहले यहाँ पार्टीशन करके देख रहे हैं तो ये पेलेनोम होना चाहिए और इसमें जितने भी पेलेट नोम है वो सब रिटर्न करके दे देगा ये ठीक है इसका जो भी आंसर होगा इसका जो भी आंसर होगा वो रिटर्न रिटर्न करके दे, दे देगा इसका ऐसा कुछ आंसर होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर्स ठीक है इसमें एक तो यही होगा ए कोमा बी कोमा सी कॉमा ए ए एक हो सकता है ए बी कॉमा सी कॉमा ए ए ठीक है ये ए अलग अलग है इसमें दोनों ए साथ में और भी हो सकते हैं ठीक है ये इसका हमको आंसर रिटर्न इसका हमने आंसर इससे मांग लिया आई प्लस वन को कॉल करके हमने इसका आंसर मांग लिया इससे फंक्शन से हमारे अब अब हम क्या करेंगे इन सब में इन सब में ए को अपेंड कर देंगे इसमें हमने ए एक और ए जोड़ दिया ठीक है तो ये इसका आंसर हो गया अब इसमें एक और ए जोड़ दिया ठीक है यहां पे हम एक और ए जोड़ देंगे ये एक तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा अगर हम यहाँ पे पार्टीशन करें और ये पैलेंडोम हो ये पैलेडोम होना चाहिए यहाँ पे पार्टीशन करने के लिए हमारा ठीक है फिर हम क्या करेंगे कि भाई हमने यहाँ तो पार्टीशन कर दिया इसका आंसर हमने निकाल दिया अब अब हम यहाँ पे पार्टीशन करेंगे आगे वाले पे ठीक है यहाँ पे हम पार्टीशन करेंगे ये पैलेंडो में है हाँ है तो ही हम पार्टीशन करेंगे ठीक है यहाँ पे पैलेंडो में इसका आंसर निकाल के दो तो फिर हम ए ए अपेंड कर देंगे इसके वाले के आंसर में ठीक है इसका जो आंसर होगा उसमें हम सब सब जितने भी वैक्टर होंगे ये वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करके देगा उसमें हम सब सब में जाएंगे और ए ए अपेंड कर देंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे सेम चीज करेंगे क्या ए ए बी हमारा पैलेंडोम है नहीं है तो हम यहाँ पे पार्टीशन नहीं करेंगे ठीक है यहाँ पे हम पार्टीशन नहीं करेंगे अब हम ये चीज चेक कैसे करेंगे कि कोई आई से लेकर जे तक पैलेंडोम है कि नहीं ठीक है उसको मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे तो पहले अभी हम इस कोड पे आ जाते हैं पहले इतना समझते हैं कि हम कर कैसे रहें इसको क्वेश्चन को सॉल्व ठीक है तो अभी मान लो कि मेरे को किसी भी आई जैसे यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक चेक करना है कि पहले नोम है कि नहीं मेरे को पढ़ा हुआ है आंसर में मेरे ठीक है पढ़ा हुआ है मेरा डीपी में आंसर में कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा पहले है कि नहीं तो अभी मैं बताता हूँ अच्छे से जैसे मैंने क्या करा अब इसको ध्यान से समझना देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं किसी भी इंडेक्स पे खड़ा हूँ ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ मैं किसी भी इंडेक्स पे खड़ा हूँ मैंने ये इंडेक्स पे खड़ा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा आई आई मेरा इंडेक्स से लेकर एंड तक जा रहा है ठीक है एंड तक जा रहा है तो मेरा इंडेक्स ये ये इंडेक्स तो फिक्स है इंडेक्स फिक्स है मेरा इस पे इस पे ठीक है फर्स्ट वाले पे इंडेक्स फिक्स है मेरा और आई मेरा इंडेक्स से लेकर एंड तक जा रहा है आई मेरा इंडेक्स से लेकर एंड तक जा रहा है मतलब आई मेरा यहाँ पे गया 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 ठीक है और इंडेक्स मेरा ऊपर यहाँ पे ही है बस ठीक है तो मैं चेक कर रहा हूँ ये इस लूप में मैं क्या कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ कि इंडेक्स से लेकर आई तक जैसे आई सपोज यहाँ पे ठीक है आई सपोज यहाँ पे और इंडेक्स मेरा है हमेशा यहाँ पर तो यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक क्या मेरा पैलिंड्रोम है इसमें मैं चेक कर रहा हूं ठीक है क्या मेरा इंडेक्स से लेकर आई तक इंडेक्स तो मेरा फिक्स है यहां पे, और आई मेरा वेरी कर रहा है क्या इंडेक्स से लेकर आई तक पेलेंडोम है हाँ है अगर है तो क्या करो ये सब्सिंग ये सब्सिंग को निकाल लो ठीक है ये सबसिंग मैंने निकाल दी जो भी है ये क्या है इंडेक्स से लेकर इंडेक्स से लेकर कहाँ तक है इसका साइज इसका साइज क्या है आई, आई, आई माइनस इंडेक्स प्लस वन आई माइनस इंडेक्स प्लस वन यही करते हैं ना अपन सब्सिंग कैसे निकालते हैं सबसिंग अपन ऐसे निकालते हैं कि भाई इंडेक्स देते हैं और लेंथ देते हैं उसकी ठीक है तो इंडेक्स मेरा क्या है इंडेक्स है तो ये मेरी सब्सिंग निकल गई और मैं क्या कर रहा हूँ अब अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ आई प्लस वन के लिए कि मेरे को सॉल्व फॉर आई प्लस वन मेरे को आई प्लस वन का आंसर निकाल के दे ठीक है आई प्लस वन का आंसर जो भी होगा वो मेरे को निकाल के दे ठीक है आई प्लस वन का जो भी आंसर होगा वो मेरे को निकाल के दे और इसका जो भी आंसर होगा ठीक है उसमें मैं क्या करूँगा उसमें मैं एक एक एलिमेंट में जाऊँगा जैसे ये वैक्टर है है ना वैक्टर वैक्टर होगा ये आर ई एस इसमें मैं एक एक वेक्टर पे जाऊंगा और एक्स को अपेंड कर दूंगा ठीक है एक्स को अपेंड कर दूंगा और ये मैं ये मैं क्या करूंगा ये जो मैंने इसका जो आंसर है जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसमें मैं इन सबको पुश करता जाऊंगा ठीक है मैंने वापस एक आंसर वैक्टर बना लिया उसमें सबको पुश करता जाऊंगा ठीक है ये आंसर वैक्टर बना लिया इसमें मैंने इसको पुश कर दिया ठीक है फिर मैंने इसको पुश कर दिया फिर मैंने इसको पुश कर दिया आंसर में ठीक है और ये मैंने बेस कंडीशन के लिए लिख दिया कि अगर मैं अगर ये पूरा ही मेरा पैलेंडोम है तो और यहाँ पे मैंने इसको कॉल करा ठीक है तो ये ये क्या एम रिटर्न करके देगा एम रिटर्न करके देगा ना है? अगर यहाँ पे मेरा लेट से ए बी है नहीं ए है ठीक है यहाँ तक तो पूरा पैलेंडोम है तो अब यहाँ पे कॉल करेगा इसको आई प्लस वन के लिए तो मेरी एक्स तो क्या हो गया ए ए हो गया और यहाँ पे कॉल करके देगा तो ये मेरा एस डॉट इंडेक्स क्या है एस डॉट साइज़ के बराबर है ठीक है तो इस लूप में तो ये जाएगा नहीं तो ये रिटर्न करके दे देगा एम टी ऐसे रिटर्न करके दे देगा ये तो आर ई एस का साइज़ कितना हो जाएगा एम टी हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो मेरे को इस ए ए को इसमें तो पुश करना पड़ेगा ना ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसको मैंने एक वैक्टर में पुश कर दिया ए और फिर मैं इसको पुश कर दूंगा आंसर में ठीक है तो बेसिकली वो तो बस हैंडल करने के लिए तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो ये चीज तो लॉजिक तुम्हें समझ में आया ना कि भाई मैं किसी भी इंडेक्स पे हूँ मैं किसी भी इंडेक्स पे हूँ ठीक है मैं चेक करूंगा कि उस इंडेक्स मेरा आई मैं इस इंडेक्स से लेकर यहाँ तक ले जाऊंगा और जिस भी जिस भी आई पे हूँ मैं मैं पहले चेक करूँगा कि वहाँ तक पहले है कि नहीं और मैं कॉल कर दूंगा आई प्लस वन के लिए वो जो आंसर निकाल के देगा मुझे उसमें मैं इसका आंसर ये ये जो सब ये जो सब्सिंग है मेरी वो मैं सब उसके आंसर में सब में जोड़ दूँगा ठीक है और उसको रिटर्न करके दे दूंगा वो मेरा इस इंडेक्स के लिए आंसर हो जाएगा ठीक है इस इंडेक्स के लिए आंसर हो जाएगा वो अब अब एक ही चीज़ रह गई कि मैं चेक कैसे करूँगा कि मेरा किसी भी इंडेक्स से लेकर आई तक पैलेट है कि नहीं ठीक है यही चेक करना रहेगा जैसे ए ए बी ए है तो मेरा इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक पैलेट है कि नहीं तो ये तो हमारा क्या है बेसिक बेसिक चीज़ है ठीक है ये हम बेसिक चीज़ चेक करते हैं इसे तो जैसे हमको चेक करना है ए बी ए ये पैलेट है कि नहीं तो हम वापस से इसको लिख देते हैं ठीक है इसको वापस से लिख देते हैं ज़ीरो वन टू थ्री ज़ीरो वन टू थ्री अब हम क्या करते हैं ना इसको ठीक है इसको हम वन वन फिल कर देते हैं ठीक है और इसको ज़ीरो 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 फिल कर देते हैं ठीक है इतना समझ में आ गया ये हम कैसे करते हैं जैसे हमने एक डी पी बना लिया है ना ये ये इसका क्या है साइज है फोर तो फोर क्रॉस फोर की डीपी बना ली हमने और और उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से ठीक है जीरो से इनिशियलाइज कर दिया पूरे सबको और जहाँ पे i i आई इज इक्वल टू इक्वल टू वहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया वन से ठीक है वन से क्यों वो मैं बताऊँगा अभी जैसे क्योंकि इसका मतलब क्या है ना जैसे इसका मतलब क्या है जैसे इस वन इस वन और इस टू का इसका मतलब क्या है इस वन और इस टू का मतलब क्या है इस वन का मतलब है कि ये वन और इस बी बी टू का मतलब क्या है ये जे तो वन से लेकर टू मतलब ए से लेकर बी क्या हमारा पैलेंड है ये इसका मतलब ये है ठीक है जीरो से लेकर टू मतलब जीरो से लेकर टू क्या हमारा पैलेंड है ये बताएगा वो वन से लेकर वन वन से लेकर वन वन से लेकर वन तो हमारा पैलेनोम है ही टू से लेकर टू भी हमारा पैलेनोम है ही थ्री से लेकर थ्री भी हमारा पेलेटोम है जीरो से लेकर जीरो भी हमारा पेले नोम है।, है इसका मतलब आई जहाँ जहाँ इक्वल है से वहाँ वहाँ पर हमारा पेलेनोम है ही ठीक है और इसका मतलब क्या, क्या जीरो है क्या हमारा ज़ीरो से लेकर वन पेलेम है क्या हमारा ज़ीरो से लेकर वन पेलेनोम है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे इसको हम कैसे चेक करेंगे कि पेलोनो में कि नहीं जीरो से लेकर वन तो जीरो से लेकर वन पेलोनो में कि नहीं तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट खुद इक्वल होने चाहिए ठीक है जीरो से लेकर वन है कि नहीं ये और ये आई से लेकर जे कोई भी आई से लेकर जे हमको चेक करना है पेलोनो में है कि नहीं तो आई और जे तो बराबर होने ही चाहिए ना ठीक है ये दोनों एलिमेंट बराबर है और अंदर वाला पैलिंड्रोम है तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल आई से लेकर जे भी पैलिंड्रोम है ठीक है इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ आई से लेकर जे पैलिंड्रोम चेक करना है आई से लेकर जे पैलिंड्रोम चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे कि पहली बात तो एस ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू एस ऑफ जे ये होना चाहिए एंड इसके साथ क्या होना चाहिए डी पी ऑफ आई प्लस वन ये आई प्लस वन कॉमा डी पी जे माइनस वन ये जे माइनस वन ये पैलेंडोम होना चाहिए ठीक है ये चीज़ पैलनोम होनी चाहिए और ये इक्वल होने चाहिए ठीक है तो इसमें हम क्या भरेंगे ये इसके बराबर है हाँ है ठीक है जीरो कॉमा वन बट क्या है आई प्लस वन यहाँ पर और जे माइनस वन भी यहाँ पर तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं इसके बीच में तो कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे इसका मतलब ये पेलिनोम है तो अगर आई प्लस वन हमारा आ, ग्रेटर देन जे माइनस वन हो जाएगा या इक्वल भी हो जाएगा तो तो पेलिनोम है ही आई कॉमा जे ठीक है ठीक है तो ये पेलिनोम हो गया अब इसका मतलब क्या है वन से लेकर टू तो मतलब वन से लेकर टू ए ए बी सॉरी ज़ीरो से लेकर टू क्या पैलेनोम है तो ये दोनों खुद ही बराबर नहीं है तो ये कहा अंदर वाला क्यों देखने की ज़रूरत नहीं है हमको तो ये पेलेनोम नहीं है और ये हो गया वन से लेकर टू तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये बराबर है ये दोनों ही बराबर नहीं है तो हम इनको चेक करेंगे ठीक है अंदर वाला अंदर वाला तभी चेक करेंगे जब ये दोनों बराबर हो ठीक है तो और हम इसको डायगनली फिल करेंगे ठीक है डायगनली फिल करेंगे इसको मैट्रिक्स को पहले हमने इसको फिल करा फिर हम इसको फिल करेंगे इस वाले एलिमेंट को क्यों क्योंकि हमको किसी भी i कॉमा जे का निकालने के लिए कि वो पैलेंट है कि नहीं हमको क्या चाहिए i प्लस वन कामा जे माइनस वन चाहिए जो कि डायग्नली ये वाला एलिमेंट होगा जैसे इसके लिए इसके लिए क्या चाहिए था हमको ज़ीरो कॉमा टू है जीरो टू है ठीक है जीरो है, टू है ए विच इज तो सपोज यहाँ पे ए होता यहाँ पे ए होता तो हमको क्या चाहिए होता वन वन चाहिए होता जो कि है ये तो हमेशा हमको डायगनली लेफ्ट वाला बॉट ये ये वाला एलिमेंट चाहिए होगा तो हम हमेशा इसको ऐसे भरेंगे ताकि ये एलिमेंट हमेशा पहले फिल हो जाए ठीक है तो इसका कोड बता या तो एक बार ड्रैगन रन कर देता हूँ क्या बी ए के बराबर है बी और ए नहीं है तो ये पेलोनोम नहीं है ठीक है और अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा उसको देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ए से लेकर ए इस इस ए से लेकर इस ए सलेनोम है ये वाला चीज़ पैलेनोम है क्या ए बी ए ये से यहाँ तो इसका अंदर वाला चेक करो मतलब ये चेक करो क्या ये पेलेंडो है हाँ है तो इसका मतलब ये भी पेलेंडो है तो वन हो गया ये अब ये बचा देख रहे हो इसने भी ये इसको यूज़ करा ठीक है और ये किसको यूज़ करेगा इसको यूज़ करेगा अगर ये दोनों बराबर हुए तो देखते हैं तो ए और ए है बी ए, ए तो ये हो गया जीरो वन टू थ्री तो ज़ीरो से लेकर थ्री जीरो से लेकर थ्री क्या पैलेनोम है तो ये दोनों तो बराबर है ठीक है तो इन दोनों को चेक करो क्या हमारा वन से लेकर टू पैलेंडोम है ये ज़ीरो से लेकर थ्री बराबर है दोनों जीरो और थ्री बराबर है ठीक है ज़ीरो और थ्री बराबर है तो हम क्या चेक करेंगे कि आई प्लस वन मतलब वन से लेकर टू क्या पैलेंडोम है मतलब ये डाइगनली नीचे वाला क्या पेलेनो में नहीं है तो ये भी पेलेनोम नहीं होगा ठीक है तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कि कोई भी कॉमा जब तक हमारा पेलेटोम है कि नहीं उसको हम कैसे निकालेंगे उसको हम यहाँ पे अलग से निकाल लेंगे ये रहा डाइगनली मूव करते हैं इसमें ठीक है तो मैंने इसको इनिशलाइज कर दिया जीरो से और अगर मैं इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ ना मैट्रिक्स में ऐसे मूव कर रहा हूँ इनसे तो मतलब नहीं है हमको ठीक है तो ये देख लेना समझ में आ जाएगा ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं और जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे हमारा आई प्लस वन की वैल्यू अगर बड़ी है या इक्वल है तब तो, तो होगा ही होगा ठीक है और अगर छोटी है तो हम चेक करेंगे कि आई प्लस वन जे माइनस वन क्या ये पैलेटो में है क्या ठीक है सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइक like करो कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा थैंक यू थैंक्स अ लॉट और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एक्सपोनेंशियल हो ही जाएगी और ए सी सिक्सटीन ने रखा है तो वो रन कर जाएगा एन की वैल्यू सिक्सटीन दे रखी है सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन होप यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल थैंक्स अ लॉट